क्लिप्स.इन में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को जल्द ही दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये अवार्ड पाथ ब्रेकिंग प्रोड्यूसर के तौर पर मिलेगा। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन नामक संस्था ये अवार्ड देगी। अनुष्का अपने प्रोडक्शन बैनर तले 3 फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी है, जिनमें एनस्टैन, परी और फिल्लौरी शामिल है। तीनों ही फिल्मों का कंटेंट एकदम हटके था, जिसकी काफी सराहना भी की गई थी। अनुष्का को नई तरह की कहानियों और स्टोरी आइडिया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी का नाम क्लीन स्लेट फिल्म्स है, जिसे उन्होंने अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ मिलकर बनाया। जिस दौरान अनुष्का शर्मा अपने करियर के शिखर पर थी, तब उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और सफलता हासिल की। उनकी तीनों ही फिल्मों ने क्रिटिक्स की तारीफें पाई थी। इसके अलावा दर्शकों ने भी एनस्टैन, परी और फिल्लौरी को काफी पसंद किया था। बतौर प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा के इस योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहेब एक्सलेंस अवार्ड देने का फैसला किया गया। अनुष्का से पहले इस फाउंडेशन ने मनोज वाजपेयी, मधुर भंडारकर, शाहरुख खान और हिमा कुरैशी को भी सम्मानित किया है। फिलहाल अनुष्का शर्मा सुई धागा और जीरो की शूटिंग में बिजी है। For more information, log on to www.clips.in.